अरे भाई ना भाई, मेरी राम राम। मैं इस टाइम बेडुआ गांव में आ रहा हूँ और यहाँ पर हमारे दिग्विजय जी खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वही बातें जो आम पूरे हरियाणा आम जनता के बीच में चल रही हैं। राम राम सर जी। राम राम जी। आज तो बड़े कुर्ता पजामा पहन के आए हो, कोई जेजेपी ज्वाइन करने का मूड है क्या? यही बात, मेरा चैनल खत्म करवाऊंगी जी। अच्छा सर ये बताइए, लग रहे हो आज खत्म क्यों होगा? अच्छा सर ये बताएं, पूरे हरियाणा की जनता एक वीडियो देख रही है भाई, ये दोनों पार्टियां एक होंगी के नहीं होंगी, आपका क्या विचार? आप उस बात से उभर ही नहीं पा रहे हो ना सर। तीसरी चौथी बार आप मेरे से पूछ चुके हो, हम बता चुके हैं जी। राजनीतिक फैसले व्यक्ति विशेष नहीं लिया करते, पार्टी एज अ होल लिया करते। क्योंकि अभी मैंने अभय जी का बयान देखा था, वो कह रहे थे भाई अगर अजय जी जो कहेंगे वो फाइनल है, अगर वो कहेंगे भाई पार्टी से संन्यास ले ले तो मैं संन्यास लेने के लिए भी। वो आज कह रहे हैं ना, जब जेजेपी बन करके विशाल बन चुकी है, आज से एक साल पहले वो क्या कह रहे थे और इस दौरान वो क्या कह रहे थे, जींद के बाई इलेक्शन में वो क्या कह रहे थे, कृपया उसे भी आप रिवाइंड करके और अच्छा चलाओ। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आम जनता से हम हर बात लास्ट नहीं क्वेश्चन मेरे से पांच और पूछ लो ना, मैं इसके अलावा पूछ सर। क्योंकि आम जनता, हम सोचते हैं आम जनता के लिए हम काम करें, आप एक सर्वे करा के देख लीजिए भाई, दोनों पार्टी एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए या अलग जेजेपी रहे? भाई मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर पार्टियां एक होनी भी जी तो उसके लिए दोनों पार्टी के जो जिम्मेवार नेता है जी उनके बीच में एक सॉफ्टनेस आनी जरूरी है। मतलब अभय जी और दुष्यंत जी, एक विनम्रता, हर चीज को कहने का तरीका शालीनता और विनम्रता से होना चाहिए। अभी कल परसों तक तो कह रहे थे कि अजय सिंह जेब से पैसे निकाल कर चोरी करता है, क्यों नहीं आप उन बातों को बताते? वो खाप वाले जो 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 वो एक व्यक्ति जो स्वयंभू जो ये कह रहा है कि मैं होली सोली हूँ, उससे पूछो ना, ये बताओ ये लोग कहाँ थे जब दुष्यंत का हाथ पकड़ के पार्टी से बाहर निकाला था, तब कहाँ थे ये लोग? आप उन बातों को भूल गए और सिर्फ इस इमोशनल एंगल पे कि भाई आज वो कह रहे हैं, आज उनके पास कुछ बचा नहीं इसलिए वो कह रहे हैं, जब उनके हाथ में ताकत थी। हमारे एक एक प्रत्येक कार्यकर्ता का कितना अपमान हमेशा है, कृपया आप उसको याद कीजिए। तो भाई मैं तो इन बातों से सहमत हूँ, आपका रिप्लाई का वेट करूँ। जो प्रश्न पूछे वो मैं अगर अभय जी से मिल पाया तो मैं जरूर ये बात पूछूंगा। सर अब तैयारी कैसी चल रही है? सर तैयारी आप ये देख रहे हो कि कितना जन समर्थन प्रत्येक गाँव के अंदर, रोहतक जिले की मैम की चौबीसी में जी आज ये हालात हैं। तो ये हरियाणा की राजनीति का केंद्र सेंट्रल माना जाता है जी, यहाँ से चली हुई आवाज दूर तक संदेश लेकर के जाती है। प्रत्येक वर्ग के अंदर बीजेपी की बड़ी मुखालफत है। जो 75 पार जगदीप जी कह रहे थे आज से कुछ समय पहले जी, लग भी रहा था कि बीजेपी की हवा है, मगर इन 7-8 दिनों के अंदर देखा ना आपने, जैसे कहानी घूमी है जी, हालात बिल्कुल विपरीत होते जा रहे हैं। अभी एक महीना और बाकी है, अब मुझे ये लगता है कि आने वाले एक महीने के अंदर ये बीजेपी 15 तक भी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि बीजेपी एक्सपोज होती जा रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा एक्सपोज होता जा रहा है। तो हम ये मान के चलें सर, आप 90-90 पे लड़ेंगे? हम 90-90 पे लड़ेंगे या कितनी पे लड़ेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है और पार्टी के सीनियर हाईकमान ने तय करना है जी। सर मैं जो आप जानना चाहते हो उसी का उत्तर दे देता हूँ। हम सबका सम्मान करते हैं जी, हम राजनीति को मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहते हैं, व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। हमारी कोई लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मगर कृपया मैं मीडिया से भी चाहूँगा और विशेष तौर पर आप सब से भी चाहूँगा कि इतिहास को जो भूल जाता है वो सुनहरा भविष्य नहीं लिख सकता जी। सर आप लोग जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं मीडिया के लोग जी, परिवारों को एक करने के बारे में जी, उसमें इतिहास को जरूर याद रखें। हम भी चाहते हैं कि सब सकारात्मक हो जी, मगर इतिहास को याद रखना चाहिए। अच्छा 22 तारीख को जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उस पे देवीलाल जी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं कुछ? वेट हम सोच सकते हैं इस बारे में? हाँ भाई देवीलाल जी का जन्मदिन, हम कुछ गिफ्ट देंगे ऐसा कुछ? गिफ्ट देवीलाल जी परिवार को, कुछ सस्पेंस परिवार के लिए? कभी देवीलाल जी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया और ना ही सोचा। हम हरियाणा की जनता, वो हरियाणा की जनता के लिए जिए अंतिम सांस तक, हरियाणा के लोगों जी 22 तारीख को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं हरियाणा के लोगों के लिए, ऐसी बात कहेंगे ऐसा जो है ना वहाँ से ऐलान होगा जिसको हरियाणा के लोग तोहफे के तौर पर स्वीकारेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ठीक है।